दोस्तों, आज हम रक्कस के वायरलेस कंट्रोलर में गेस्ट पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं सीखेंगे। तो इसके लिए आपको जाना होगा अपने ब्राउजर पर। यहाँ मैं फायरफॉक्स में उसे लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर डालना है अपने वायरलेस कंट्रोलर का आईपी। यहाँ जाने के बाद कुछ वार्निंग शो करेगा, तो यहाँ एडवांस में जाकर आप एक्सेप्ट कर दीजिएगा और यूजर नेम पासवर्ड डालकर से लॉगिन कर देना है। लॉगिन करते ही आप अपने वायरलेस कंट्रोलर के अंदर आ जाएंगे, जिसका मॉडल है GD1200। इसमें आने के बाद हमें जाना है क्लाइंट पर। क्लाइंट पर क्लिक करेंगे। क्लाइंट पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा, इससे नीचे दिखाई देगा आपको जनरेट पासवर्ड। ठीक है, जनरेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद हमें करना है स्क्रॉल डाउन। स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे आपको क्रिएट न्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद एक विंडो और खुल जाएगी आपके सामने। यहाँ पर लिखा होगा नंबर ऑफ गेस्ट पास। अगर हम सिंगल पर्सन के लिए पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो हम सिंगल पर क्लिक करेंगे। अगर मल्टी लोगों के लिए बनाना चाहते हैं तो मल्टी। यहाँ हमें बनाना है सिंगल बंदे के लिए पासवर्ड। तो पासवर्ड में आप जो डालना चाहें वो डाल दीजिए। मैं फिलहाल यहाँ मैं 123456 डाल देता हूँ और सिंगल पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर हमें दे देना है पर्सन का नाम जिसके लिए हम ये पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं। फिलहाल मैं टेस्ट नाम डाल देता हूँ। यह यहाँ गेस्ट WLAN शो हो रहा है। जब आप वाईफाई सर्च करेंगे तो ये नाम आपको लिखा दिखाई देगा, तो इसको ही आपको सर्च करके कनेक्ट करना है। ठीक है, तो नीचे है वैलिड फॉर, ये कितने डेज के लिए या वीक के लिए आप बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ डाल सकते हैं। तो मैं वीक के लिए बनाना चाहता हूँ तो मैं वीक डाल देता हूँ इसमें 4 वीक। इसके बाद हमें कुछ नहीं डालना है इसके अंदर। ठीक है, एडवांस में भी कुछ नहीं डालना है, सीधा करना है हमें जनरेट पर क्लिक। तो बी ये ऑलरेडी दिखा रहा है, तो मैं कुछ चेंजिंग कर देता हूँ पासवर्ड में। सेवन एट नाइन, ठीक है, इतना कर देता हूँ मैं इसे। और फिर से हम जनरेट पर क्लिक करते हैं। ठीक है, जनरेट करते ही नेक्स्ट विंडो आ जाएगी। इस पे भी आपको प्रिंट पर क्लिक करना है। प्रिंट पर क्लिक करते ही एक फाइल खुल जाएगी। इस फाइल में आपने जो भी डिटेल डाली है वो सारी डिटेल इसके अंदर मिलेगी। क्या आपने यूजर नेम बनाया है, क्या पासवर्ड बनाया है, वो सारी चीजें इसमें आपको लिखी दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आपने जो गेस्ट पास बनाया है वो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और इसका जो नाम है वो ये टेस्ट नाम से बनाया है, और कब तक वैलिड है, किस टाइम तक वैलिड है, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। ठीक है, इस तरह से आप ये बना सकते हैं और PDF फाइल को ये सेव रख सकते हैं अपने पास में। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियो लाता रहूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।